ये तो हम सभी जानते हैं कि 29 जून को बकरीद है, वहीं सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा और बकरीद को लेकर ऑफिसरों को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। जी हां, बता दें कि सीएम योगी ने ऑफिसरों को निर्देश दिया है कि श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान रखते हुए सावन के महीने में ये ध्यान रखा जाए कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस की खरीद बिक्री न हो। सीएम योगी ने कहा है कि बकरी ईद पर कुर्बानी के लिए जो जगह चिन्हित है वहीं पर कुर्बानी होनी चाहिए और विवादित जगहों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही सीएम योगी ने ऑफिसरों से कहा है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर पेयजल की व्यवस्था भी कराई जाए। जहां पर भी श्रद्धालुओं के लिए खाद्य शिविर लगाए गए हैं वहां सभी खाने वाली चीजों की गुणवत्ता की एक टीम जांच जरूर करे। सीएम योगी ने कहा है कि गांव हो या शहरी क्षेत्र, त्योहारों को ध्यान में रखते हुए बिजली आपूर्ति सुचारू रखी जाए, बिजली की अनावश्यक कटौती की शिकायत ना हो। इसके अलावा सीएम योगी ने ऑफिसरों को निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जहां भी बिजली के तार लटक रहे हैं उनको ठीक कराया जाए। दरअसल सीएम योगी के ऑफिस की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि धार्मिक यात्राओं और जुलूसों में हथियारों का किसी भी तरीके से प्रदर्शन वर्जित है। इस दौरान ऐसी कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरे धर्म के समुदाय के लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचती हो। वहीं संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का आदेश दे दिया गया है। सीएम योगी ने कहा है कि आने वाले दिनों में सावन में कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, बकरीद, मुहर्रम आदि पर्व भी मनाए जाएंगे। ये त्यौहार शांति और खुशी के बीच संपन्न हो इसके लिए स्थानीय आवश्यकताओं संबंधी हर प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा है कि जहां पर भी कांवड़ शिविर लगने हैं उन स्थानों को भी पहले से ही चिन्हित कर लें। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।